नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है जिस कार्यक्रम का नाम है आपकी फरमाइश। दोस्तों, आप लोगों की बहुत सी फरमाइशें आती हैं, उनमें से एक फरमाइश आज मैं पूरी करने जा रहा हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि सब्जा और चिया सीड इसमें क्या फ़र्क है, कौन कौन से फ़ायदे हैं, कौन कौन से नुकसान हैं, कितने का मिलता है और कितनी मात्रा में लेना है, संपूर्ण जानकारी दूंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन उसे दबा के सब्सक्राइब करें, बाजू में एक बैल उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ कि आप मेरे चैनल को ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चिया शीट आप इसे दूध में भिगो कर ले सकते हैं दोस्तों, और बहुत ही फायदेमंद है। इनसे बहुत सारी जो है बीमारियों पे आप नियंत्रण लगा सकते हैं। दोस्तों, आप इसे पानी के साथ भी ले सकते हैं, दही के साथ भी ले सकते हैं, और आप जो है फ्रूट के ऊपर में जो है आप इसे पाउडर बनाकर छिड़क कर भी ले सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि इसको भीगने में थोड़ा टाइम लगता है, कम से कम 8 से 10 घंटा लगता है। प्रोटीन के लिए बहुत ही बढ़िया होता है चिया सीड। जितने भी बॉडी बिल्डर होते हैं वो इसका सेवन करते हैं, जिससे उनके अंदर में प्रोटीन की जो है आपूर्ति होती है। ये प्रोटीन का बेहतर सोर्स है, तो इसको लेते हैं जिन लोगों को बॉडी बिल्डिंग करनी हो। और आगे मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि जिन लोगों को खून की कमी होती है उनके लिए बहुत ही फायदेमंद है, ख़ासतौर से जो महिलाएँ गर्भवती होती हैं या जिस किसी को भी खून की कमी है वो इसका सेवन करें। इसको सेवन करने से खून में जो है भरपूर मात्रा में जो है आपको आयरन और एनीमिया से बचने के लिए ये बहुत ही लाभकारी है। अगर हड्डियां आपकी कमज़ोर है तो आप इसका सेवन करें, क्योंकि हड्डियां सिर्फ कैल्शियम से जो है मजबूत होती हैं और इस बीज में कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है, तो इसको आप खाइए, इससे आपकी जो हड्डियां हैं वो मजबूत होगी। दूध के साथ सेवन करते हैं तो इसका 2 गुना फायदा मिलेगा आपको। अगर आपकी त्वचा रूखी है और सुंदर बनाना चाहते हैं तो इसका सेवन करें, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो आपकी त्वचा को चमकदार बना देंगे। तो अगर आपकी त्वचा में आपको ऐसा लग रहा है कि चमक कम है तो आप इसका नियमित रूप से सेवन करें। जिन लोगों की याददाश्त कमज़ोर है, बढ़ती उम्र के साथ याददाश्त जिनकी खो जाती है, आजकल के युवाओं की भी याददाश्त बड़ी कमज़ोर होती है, धूम्रपान शराब आदि के सेवन करने से याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, तो चिया सीड का आप सेवन करें। इसको सेवन करने से 20 ग्राम की मात्रा में आपको लेना है, इस बात का ध्यान रखें। नियमित रूप से इसको सेवन करें तो याददाश्त मजबूत होगी। वजन कम करना बहुत बड़ी समस्या है, लाखों रुपये खर्चा करते हैं लोग,
और वजन कम कराते हैं। बिल्कुल आसान तरीका बताता हूँ दोस्तों, 20 ग्राम की मात्रा आप रोज सुबह ले लें पानी के साथ। और इसके अलावा आपको दो चार चीज़ों का ध्यान रखना है, थोड़ी एक्सरसाइज करें, भागे दौड़े, पानी ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 लीटर पिएं, और खाना खाने के बाद कम से कम 1000 कदम जो है अवश्य चलें। यहाँ दोस्तों इससे जो है आपका खाना भी हजम हो जाएगा और वजन बहुत जल्दी से जो है गिरने लगेगा। पाचन तंत्र मजबूत करने के लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि दोस्तों पेट अगर तंदुरुस्त नहीं है तो आपको कई बीमारियां घेर सकती हैं। तो आप जो है अगर पाचन तंत्र मजबूत करते हैं तो आपका जो है खाना अच्छे से हजम होगा, आप पूरी तरह से तंदुरुस्त रहेंगे। तो आप इसका सेवन कर सकते हैं। बाल, जिन लोगों के बाल गिरते हैं, झड़ रहे हैं, मतलब ग्रोथ कम होती है, तो ये बहुत ही फायदेमंद, इसको खाइए। और इसको जो है आप इसका पाउडर बनाकर जो है इसको जो है तेल के साथ मिला के आप सर पे लगा सकते हैं 1 से 2 घंटे के लिए नहाने से पहले। उसके बाद नहाने ये सप्ताह में 2 बार करें, इससे आपके बाल जो हैं बिल्कुल घने, लंबे और मजबूत हो जाएंगे। बहुत ही बढ़िया है चिया शीट। तो मैं आपको बता चुका हूँ मात्रा और लेने का समय भी बता चुका हूँ। आप इससे जो है सवेरे सवेरे ले सकते हैं। जिन लोगों को पाचन तंत्र से परेशानी है वो रात के समय सोने से पहले लें, और जो लोग बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं वो नाश्ते में आप इसको पाउडर को इसको छिड़कें, जैसे कि आपने फ्रूट खाया तो फ्रूट में आप इसको छिड़कें और खाएं, इससे आपको पेट भरने का एहसास भी होगा और आपके जो है आपको भरपूर मात्रा में प्रोटीन मिलेगा। दोस्तों सब्जा एक ऐसा पेय है जिसको पीने से शरीर में जो है ठंडक होती है। गर्मी के दिनों में खास तौर से इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपके शरीर के तापमान को नियंत्रित करेगा। दोस्तों एक चीज मैं कह दूं, आप इसे जो है फालूदा में भी ले सकते हैं, नींबू पानी के साथ ले सकते हैं, शरबत बनाकर पी सकते हैं। बहुत ही कमाल की चीज है सब्जा। लेना कैसे है वो मैं आपको बता दूंगा। 2 छोटे चम्मच आपको इसको भिगाना है और लेना है। प्रतिरोधक क्षमता अगर आपकी कमजोर है तो आप सब्जी का प्रयोग करें, इससे आपकी जो है प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। दोस्तों अगर आपको सर्दी जुकाम खांसी अस्थमा है तो आप जो है सब्जा लें, इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण होता है जो आपकी इन बीमारियों को ठीक कर देगा। मधुमेह टाइप 2 के जो मधुमेह के रोगी हैं उनके लिए बहुत ही फायदेमंद है सब्जा के बीज। इसको आप ले सकते हैं, दूध के साथ ले सकते हैं, 1 गिलास दूध में डाल दें और इसे लें। 2 चम्मच आपको लेना है, जब भी आप लेना चाहें ले सकते हैं। इससे आपका जो है शुगर नियंत्रण में आ जाएगा। सब्जी के बीज हमारी धमनियों को साफ करते हैं, कोलेस्ट्रॉल जमने की आशंकाओं को कम करते हैं और हार्ट अटैक और स्ट्रोक के खतरे को कम करते हैं। तो जिन लोगों को भी इन सब चीज़ों से बचना है या जिन्हें आता है तो वो इसका सेवन करें नियमित रूप से। आपको जो है कभी जो है हार्ट अटैक नहीं आएगा, स्ट्रोक नहीं आएगा, बहुत ही कम चांसेस होते हैं आने के। तो आप इसको ले सकते हैं दूध के साथ, दही के साथ या फिर पानी के साथ ले सकते हैं। कब्ज से परेशान हैं तो रात को आप सोने से पहले इसे ले लें, दूध में मिलाकर ले लें, सोने से पहले 2 चम्मच डाल लें और 15 से 20 मिनट तक का इंतजार करें, उसके बाद लें। यहाँ दोस्तों एक बात मैं कहना चाहूँगा, सब्जा 15 से 20 मिनट में जो है फूल जाता है, इसे आप लें और खाएं। और बालों के लिए बहुत ही फायदेमंद है, आप इसे अपने बालों में लगा सकते हैं। इसमें भरपूर मात्रा में लोहा होता है जो कि आपके बाल को स्वस्थ रखेगा। दोस्तों इन लोगों को एनीमिया की शिकायत है वो भी इसका सेवन कर सकते हैं, इससे जो है खून बढ़ने लगेगा। त्वचा को चमकदार बनाने के लिए क्या करना है, इससे बिल्कुल जो आपकी झुर्रियां भी गायब हो जाएगी। दोस्तों करना क्या है वो ध्यान से सुन लीजिए। पहले इसका पाउडर बना लें, उसके बाद नारियल तेल का जो है आप उसको गर्म करें और उसमें इसको डालें। तो जो है आप ऐसे बनाएं कि वो तेल के हिसाब से रहे, जैसे अगर 50 ग्राम है तो आप इसमें 20 ग्राम जो है आप इसको पाउडर को डालें और अच्छी से पकाएं 5 मिनट तक। उसके बाद जब ठंडा हो जाए उसके बाद पूरे शरीर में मालिश करें, देखिए इससे आपकी झुर्रियां गायब हो जाएगी और त्वचा एकदम बिल्कुल चमकने लगेगी। पानी में सब्जी को भिगो के 20 से 25 मिनट रखें, उसके बाद आप खाएं। इससे आपकी जो है मूड जो है एकदम बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। तो ये जो है वजन को जो है कम करने के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अगर आप जो है वजन कम करना चाह रहे हैं तो इसको ले सब्जा को। लेने का तरीका बिल्कुल आसान है, सवेरे 2 चम्मच आप डालें पानी में 20 से 25 मिनट पहले,
और उसके बाद जो है अगर बहुत जल्दी वजन कम करना चाहते हैं तो इसमें एक नींबू निचोड़ लें और आधा चम्मच शहद डाल दें, अगर आप शहद डाल दें आधा चम्मच, उसके बाद देखिए आपका वजन कितने जल्दी गिरेगा। रेसिपी में भी डाल सकते हैं सब्जा को, सब्जा के बीज का इस्तेमाल बहुत जगह होता है, तो खीरे में डाल सकते हैं, नींबू पानी में डाल सकते हैं, गुलकंद में डाल सकते हैं, स्ट्रॉबेरी फालूदा, आम फालूदा, जितने भी फालूदा होते हैं उसमें डाल सकते हैं। और दो चम्मच आपको लेना है, छोटे दो चम्मच डालने हैं पानी में और लेना है। तो जिनका पाचन तंत्र खराब है वो रात को सोने से पहले लें। तो दोस्तों दोनों में बेस्ट कौन सा है ये भी मैं आपको बता दूं, अगर आपको जो है चिया सीड मिल जाए तो वो सबसे बेस्ट होता है, अगर वो ना मिले तो आप सब्जा ले लें, सब्जा भी वही काम करता है लेकिन थोड़ी सी इसकी जो क्रिया है वो लेट होती है, थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। बहुत ही बढ़िया चीज़ है, दोनों में से कोई भी चीज़ ले सकते हैं आप। और ये जो है सब्जा जो है ये तुलसी का बीज है और भारत में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसलिए ये सस्ता भी होता है। तो आप अगर ये अगर जैसे कि 250 ग्राम आप सब्जा लेते हैं तो ये आपको 100 रुपये में मिल जाएगा किसी भी दुकान में। और अगर आप जो है चिया लेते हैं तो वो आपको 100 ग्राम मिलेगा 100 रुपये में, किसी भी राशन की दुकान पंसार की दुकान में मिल जाएगा। तो इसको लें और सेवन करें। कुछ पूछना चाहे तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों जिन लोगों को ये चीज़ें नहीं खानी वो भी बता देता हूँ, गर्भवती महिलाएं बिल्कुल भी इसका सेवन ना करें, इस बात का ध्यान रखें। और जिन्हें जरूरत से ज़्यादा सर्दी खांसी है वो भी इसको बिल्कुल ना लें, क्योंकि जो है इसको लेने से जो है आपकी सर्दी खांसी बढ़ सकती है क्योंकि ठंडा होता है। और जिनका ऑपरेशन हुआ है, किसी प्रकार का ऑपरेशन हुआ वो बिल्कुल ना लें। तो इन बातों का अवश्य ध्यान रखें। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।